हेलो फ्रेंड्स, मैं हिमांशु लाड़ और स्वागत है आप सभी का इस चैनल में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे फॉर्च्यूनर के बारे में। ये गाड़ी लोगों की ड्रीम कार है, ये गाड़ी नंबर वन है और इस गाड़ी की एक अलग ही ब्रांड वैल्यू है। फिर भी अगर बात करें कि 2021 में ये कितने की है, 50 लाख। फॉर्च्यूनर लेजेंडर 50 लाख की, क्या ये प्राइस आपको इसके हिसाब से सही लगता है? जहाँ पे मार्केट में इससे अच्छे ऑप्शन भी हैं और वो इससे कम प्राइस में है। अच्छा, ये है कौन लोग जो ये फॉर्च्यूनर इतनी महंगी ले रहे हैं 50 लाख की? 50 लाख कम नहीं होते हैं, 1 करोड़ का आधा। तो आज की वीडियो आप पूरी देखिए लास्ट तक, आपके सब समझ में आ जाएगा इसकी वैल्यू ज़्यादा क्यों है और इससे बेहतर मार्केट में कौन से ऑप्शन है। तो सबसे पहले तो आप अगर फॉर्च्यूनर लवर हैं तो आप वीडियो देखकर बुरा ना माने, पूरी वीडियो को देखें, समझें कि मैं वीडियो में क्या कहना चाह रहा हूँ। तो बात करें तो 2009 में फॉर्च्यूनर की शुरुआत हुई थी, जो ये लॉन्च हुई थी 4x4 के साथ ही गाड़ी लॉन्च हुई थी। उसके बाद जो इसकी नेक्स्ट जनरेशन आई थी, जिसका अपडेट आया था, वो आया था 2012 में, जो 4x2 और 4x4 दोनों के साथ आया था। उसके बाद ये 2016 में इसका फेसलिफ्ट आया, मतलब नेक्स्ट जनरेशन, जिसमें इसका लुक बिल्कुल चेंज होकर आया मार्केट में। और इस बार ये गाड़ी डीजल के साथ साथ पेट्रोल में भी आई, जिसमें इसका प्राइस 27 लाख से 33 लाख एक्स शोरूम था, जो ऑन रोड पहुँचते हुए 35-37 लाख के आसपास हो जाता था। और उसके बाद बढ़ते बढ़ते प्राइस बढ़ता रहा और उसके बाद आई लेजेंडर मॉडल 2021 में, और इसका प्राइस फाइनली ऑन रोड पहुँचने तक 50 लाख रुपये हो गया है। आप जाके देख सकते हैं हमने अपने स्टेट के हिसाब से। बात ऐसी आती है अब कि अगर आप फॉर्च्यूनर लवर हैं और आपकी अगर ये ड्रीम कार है और आपके पास बहुत सारा पैसा है तो आप इस गाड़ी को आराम से ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर जो लोग वैल्यू फॉर मनी गाड़ी लेना चाहते हैं, अगर आप 50 लाख रुपये खर्च कर ही रहे हैं और आप वैल्यू फॉर मनी गाड़ी लेना चाहते हैं, तो इसकी रेंज में आपको और भी गाड़ियाँ मिल सकती हैं और देख सकते हैं। फॉर्च्यूनर के अगर लेजेंडर वेरिएंट की बात करें तो 4x2 वेरिएंट का प्राइस 37 लाख के आसपास है, जो 4x2 है। और अगर 4x4 की बात करें तो ये 42 लाख के आसपास है। एक्स शोरूम की बात कर रहा हूँ मैं, ये ऑन रोड जो 4x4 है ये आपके 50 लाख रुपये ही पहुँचेगा। अब एक बात हो रही है कि आप मानो या ना मानो, ये गाड़ी है ओवर प्राइज्ड, क्योंकि आप इस गाड़ी को आप आराम से देखिए, आपको देखने में अच्छी लगेगी, चलने में भी अच्छी है, पावर में भी अच्छी है, पर 50 लाख रुपए बहुत बड़ी इनकम होती है, उसके हिसाब से गाड़ी नहीं है, नहीं लगती आपको उस हिसाब से गाड़ी है। अब बात ऐसी है कि जो इसके कॉम्पिटिशन में सबसे तगड़ी गाड़ी थी वो थी एंडेवर, जो आपको पता है कि चले गई है। तो एक ये भी रीज़न हो सकता है कि लोगों को साफ साफ सामने आ गई है कि फॉर्च्यूनर ही लेनी है, तो उनके पास एक ही ऑप्शन है। पर अगर आप सही से देखोगे तो आपको ग्लोस्टर भी मिल जाएगी और भी आपको कई सारी लग्जरी कार मिल सकती हैं इसी रेंज में। तो अब सीधा सीधा इस गाड़ी की कुछ कमियों की बात कर लेते हैं कि 50 लाख लेने के बाद भी टोयोटा इस गाड़ी में अभी भी कुछ कमियां हैं जो लगता है कि पूरी होनी चाहिए थी इस गाड़ी में। सबसे पहले इंडिया वालों के लिए सनरूफ, इस गाड़ी में कोई भी सनरूफ नहीं है। 50 लाख रुपये की गाड़ी ले रहे हो भाई, तब भी इसमें सनरूफ नहीं दे रहे हो। अगर कंपटीशन की बात करी जाए तो सब में आपको सनरूफ मिल जाएगा, यहाँ तक कि 15 से 20 लाख की गाड़ी में भी आपको सनरूफ दिया जा रहा है आजकल। सेकंड कमी जो इसमें है, 4x4 वेरिएंट को छोड़कर जितने भी 4x2 वेरिएंट है या कोई और दूसरा वेरिएंट भी है, उसमें आपको 6 स्पीकर मिलेंगे जिनकी कोई इतनी खास क्वालिटी नहीं है। बताओ 50 लाख रुपये की गाड़ी में बैठे हो आप, और चलो 45 लाख जो इसके और वेरियंट्स हैं तो वो इससे चलो कम प्राइस में आएंगे, पर उसमें भी आपको इतने पैसे देने के बाद भी कोई साउंड क्वालिटी आपको इतनी अच्छी नहीं मिलेगी, बेटर नहीं मिलेगी। थर्ड कमी जो बात करूँगा मैं, इसकी टच स्क्रीन, जो इसकी टच स्क्रीन है वो आपको ऐसे लगती है जैसे आफ्टर मार्केट की लगवाई हो आपने, जिसको आप जब चलाते हो तब भी आपको ज़्यादा मज़ा नहीं आता है चलाने में। और अगर राइड क्वालिटी की बात करें तो पहले से बेहतर है जो पहले वाली फॉर्च्यूनर है, पर अभी भी ये गाड़ी एंडेवर और बाकी कॉम्पिटिशन में जो गाड़ी आती है उनसे थोड़ा पीछे है ये राइड क्वालिटी में। इसमें क्या होगा, आपको थोड़ा झटके ज़्यादा महसूस होंगे। इस गाड़ी में आपको स्टिफ सस्पेंशन मिलेगा जिसमें आपको थोड़ा झटके महसूस ज़्यादा होंगे। बिल्ड क्वालिटी की अगर बात करें तो नो डाउट गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है, फॉर्च्यूनर इसलिए नाम माना जाता है। पर अगर बाकी कॉम्पिटिशन की बात करें तो इसमें एक गाड़ी आगे निकल जाती है, जिस गाड़ी की कंपनी इंडिया छोड़कर चले गई है। एंडेवर आपको थोड़ा काफ़ी बल्कि गाड़ी लगती है। अब अगर हम लग्जरी की बात करें कि अंदर बैठ के फील कैसी आती है, तो इसमें अगर मैं कंपटीशन में आपकी 3 गाड़ी की बात कर जाऊँ, फॉर्च्यूनर, ग्लोस्टर और एंडेवर, तो एंडेवर की फील सबसे ज़्यादा अच्छी है। और उससे भी ज़्यादा आप जो ग्लोस्टर का अगर आप सही से देखो तो ग्लोस्टर की सबसे ज़्यादा आपको अच्छी एक फील आएगी, उसके बाद एंडेवर आती है और उसके बाद फॉर्च्यूनर, फॉर्च्यूनर इसमें 3rd नंबर पर हो जाती है।
और अगर मैं प्लास्टिक क्वालिटी की बात करूँ तो प्लास्टिक क्वालिटी भी बाकी गाड़ी में आपको ज़्यादा अच्छी मिलेगी। अब इसका प्राइस अगर थोड़ा और कम होता तो जस्टिफाई कर लेते, इस गाड़ी को ले लेते, पर इसका प्राइस बहुत ओवर चले गया है। तो क्या इसमें आप दूसरी गाड़ी लेना सही है या गलत है? तो आप दूसरे ऑप्शन भी आपके पास हैं और आप गाड़ी ले सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ कि वीडियो देखकर लोग मुझे बहुत गालियाँ दे रहे होंगे कि तू इतनी अच्छी गाड़ी के बारे में क्यों बोला जा रहा है और ये नंबर वन SUV है। पर कोई भी SUV चाहे वो नंबर वन पे चाहे टू पे, पर जो ओवर प्राइस दे वो ओवर प्राइस दे। मैं इस गाड़ी की ब्रांड वैल्यू के हिसाब से इस गाड़ी को लेने के लिए नहीं बोल रहा हूँ कि आप लो या ना लो। मैं सीधा सीधा यहाँ पे बता रहा हूँ उस टाइम में कि अगर आपके पास 50 लाख रुपए हैं तो कंपटीशन में आपके पास और भी गाड़ियाँ हैं, आप देख सकते हैं। पर जिनको अगर जो फॉर्चुनर लवर हैं या जिनके पास बहुत सारा पैसा है और जिनकी ये ड्रीम कार है, तो वो चाहे मेरी वीडियो देखें या ना देखें वो फॉर्चुनर ही लेंगे और नो डाउट अच्छी गाड़ी है। अब हम बात कर लेते हैं कि इतनी सारी मैंने आपको कुछ कमियाँ बताई हैं इस गाड़ी की, फिर भी ये गाड़ी नंबर वन पे क्यों है और ये गाड़ी बिक क्यों रही है। तो मैं कुछ रीजंस बता देता हूँ जिसके कारण गाड़ी ये इतने टाइम से पहले नंबर पे है और बिक रही है। तो सबसे पहला पॉइंट के बारे में बात करूं तो रिलायबिलिटी इस गाड़ी की इतनी बढ़िया है कि इस गाड़ी को आपने सुना होगा कि हमारे पास फॉर्चुनर थी या इनोवा थी, कोई भी गाड़ी है टोयोटा की, कि हमने 3-4 लाख चला दी, 5 लाख चला दी। तो इतनी गाड़ी इतने किलोमीटर चलाना कोई आसान बात नहीं है, और इतने लाख किलोमीटर के बाद इस गाड़ी का कुछ नहीं बिगड़ता है, तो इसलिए गाड़ी बिकती है। दूसरे पॉइंट की मैं बात करूँगा टोयोटा की लो सर्विस कॉस्ट। बाकी गाड़ियों के मुकाबले इसकी जो सर्विस कॉस्ट रहती है वो काफ़ी कम रहती है टोयोटा की। रिसेल वैल्यू इस गाड़ी की इतनी है कि अगर आप 2-3 लाख में चला लोगे और उसके बाद भी आप अगर गाड़ी को बेचने निकलोगे तो ये गाड़ी आराम से बिक जाएगी आपके खड़े खड़े। गाड़ी की ब्रांड वैल्यू आपको पता ही है, ये अपने टोयोटा के नाम से नहीं जानी जाती है, ये आप अपने फॉर्चुनर के नाम से जानी जाती है कि गाड़ी फॉर्चुनर है भाई, तो ये अपने नाम से ही बिकती है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनके कारण ये गाड़ी अभी तक बिक रही है और लोग इसको आराम से ले रहे हैं, इतनी सी कुछ थोड़ी बहुत कमियों के कारण भी, फिर भी लोग इनको ओवर प्राइस दे गाड़ी है और लोग ले रहे हैं अभी तक, तो यही कारण है इस गाड़ी का लेने का। तो सीधे बात ऐसी है कि जिसने ये वीडियो पूरी देखी होगी उन्हीं को ये वीडियो समझ में आई होगी कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अगर आपको गाड़ी लेनी है तो नो डाउट बहुत अच्छी गाड़ी है, बस थोड़ा आपको इसमें प्राइस ज़्यादा देना पड़ेगा इसका। और आप अगर इसी प्राइस में और भी वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट चाहते हो, वैल्यू फॉर मनी गाड़ी चाहते हो, तो और भी गाड़ियाँ ले सकते हैं, वो काफ़ी अच्छे फीचर्स के साथ, ज़्यादा फीचर्स के साथ और ज़्यादा लग्जरी के साथ आपको गाड़ी देखने को मिलेगी। और आपको अगर एक ही ये लेना है कि शुरू से आपने अगर मन बना रखा है कि फॉर्चुनर लेनी तो फॉर्चुनर ही लेनी है, तो आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नंबर वन पे है ही गाड़ी है। तो इसी के साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट्स कर दीजिए। तो उम्मीद होगी कि अगर आपने वीडियो पूरी देखी होगी तो आपको पूरी वीडियो समझ में आई होगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो इसी के साथ हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आगे किसी और टॉपिक के ऊपर। तो चलिए चलते हैं, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।